पानी पानी कहाँ से लाते हो? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो नदी से लाए, नदी से मोटर लगाए हैं। यहाँ तो बोरी बांध बनाए, बोरी बांध बनाए। हाँ ये सर, इसमें क्या रहता है, ये पूरा एयर टाइट रहेगा, तभी इसका वाश हो जाता है, फिर ये ठंडा हो गया। दाम 15 लाख सर, 8 लाख में जाएगा, 15 लाख में जाएगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत है हमारा नहीं है, कोई दिक्कत है। अभी हम लगाए हैं फसल, मैंने अगस्त महीने लगभग लगाया था, तो उसमें सिर्फ एक बार जोताया था, और उसके बाद वो मैंने झाड़ी झूड़ी सब हाथ से फेंक दिया, पूरे साफ किया, उसके बाद डायरेक्ट हम मैंने रोप दिए। जहाँ पर धान सब लगता होगा? हाँ, घोड़ा धान है ना, थोड़ा धान महुआ मड़ुआ सब खेती करते होंगे, तो ये जैविक हो गया। हाँ, हाँ, जैविक खेत सर। इसमें एक चीज है कि अगर पानी है तब तो चार फसल अफीम है, उसको छोड़ के इसको करना चाहिए। नहीं, हम लोग नहीं करते हैं अफीम, इसलिए उसको छोड़ के इसको करना चाहिए। हाँ, करना। मैं बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इधर लेमन घास खेती करते हैं, और इसका भी बाजार अभी मिल गया बाजार अभी, तो कोई मेरा पहले तो बाजार मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम बहुत चिंता था, लेकिन अभी तो मिल गया, अभी तो कोई चिंता नहीं है, हमारा बहुत अच्छा लगा। अब ज्यादा खेती करेंगे, अभी और लगाएंगे। ठीक है, और लगाएंगे। बीच जो अपना परंपरागत खेती था उससे हट के इस तरह के आधुनिक तरीके से और पुरानी चीजों का, ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो सम्मिश्रण देखने को मिला, वाकई काबिले तारीफ है। जिन लोगों ने, जिस सोसाइटी ने इस तरह के चीज़ों को इनकरेज किया, और ख़ास करके किसान मुंडा भाई लोग, जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया और हिम्मत दिखाई कि नहीं, हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इलाका अफीम की खेती के नाम से जाना जाता था, काफ़ी बदनामी भी होती थी, तो इन्होंने आने वाले जनरेशन के लिए एक नया रास्ता इख्तियार किया है। सरकार इन सब चीज़ों को देखकर, मैं खुद हतप्रभ हूँ कि इस तरह के दुर्गम इलाका जहाँ के लोग आने से कतराते हैं, वहाँ इस तरह वैज्ञानिक सोच के साथ उन्नत खेती की जा रही है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इन सब चीज़ों के लिए अगले बजट में प्रावधान दिखेगा, क्योंकि इन लोगों ने करके दिखाया, हिम्मत दिखाई, साहस जुटाई, और कितनी तमाम बाधाएं हैं, फिर भी है कि कोई ना कोई आएगा, हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। तो शायद आज हम लोग राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, और सभी गणमान्य लोग शहर के आए हैं। काली मुंडा जी ने कल जब मुझे कहा, तो मैं डायरेक्ट दुमका से यहाँ आया, और हूल दिवस कल था, कल ही इस चीज़ का आमंत्रण मिला था, तो उन्हीं के नाम पर ये फूल क्रांति हम करने जा रहे हैं खूंटी के इलाके में। जो पुराने परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो कानूनन अपराध के दायरे में आते हैं, उससे हट के जब लोगों को लगेगा कि इसमें इज्जत है, इसमें प्रोत्साहन है, इसमें नाम है, इसमें आने वाले समय में हमारा एक मुकाम है, तो ज़रूर पीढ़ियाँ पीछे आएंगी। हम 100 किसानों को चिन्हित करने का आग्रह किए हैं, उनको आने वाले दिनों में पहले आत्मनिर्भर बनाएंगे, लखपति बनाएंगे, और फिर उससे आगे ये इलाका इसी तरह कभी तरबूज, कभी लाह की खेती के लिए मशहूर।